हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इस तरह से स्लीव्स डिजाइन जो कि बहुत ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव्स डिजाइन किस तरह से बनाने हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंथ लेते हैं, 19 इंच पे है, 20 इंच पे जितना लेना चाहे। और इसमें हम 2.5 इंच का पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग से हम दोनों तरफ से 1-1 इंच पे डॉट लगाएंगे इस तरह से, और इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। टेप को रखनी है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और इधर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। आप भी सेम इसी तरह से बनाइएगा। और यहां से भी हम 1-1 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस तरह से पूरा लास्ट तक 1-1 इंच का मार्क लगाएंगे। और इधर भी हम 1-1 इंच का लगाएंगे मार्क। दोनों तरफ से हमने सेम ही लगाया है। तो देखिए, दोनों तरफ से हमने मार्क लगा लिया। अब इसे हम मिला लेते हैं। इस तरह से मिलाएंगे पूरे लास्ट तक हमें मिला लेनी है। देखिए, ये हो गया। और जो सेंटर पे लाइन है उसे भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया, हमारा डिब्बा बन गया। अब यहाँ एक देखिए, एक डिब्बा छोड़ के हमें इस तरह से लाइन लगानी है, तिरछी लाइन लगानी है, जो बीच का सेंटर है वहाँ आए ही इस तरह से। तो सभी में एक एक डिब्बा छोड़ के हमें मार्क लगानी है इसी तरह से। देखिए, एक एक डिब्बा हमें छोड़नी है। और इधर देखिए, दो डिब्बा छोड़नी है, फिर तीसरी डिब्बे में मार्क लगानी है और इसे इस तरह से लगानी है। तो इसे भी हम पूरा लास्ट तक लगाएंगे। ये हो गया। अब सुई धागा की सहायता से हम इसे देखिए स्टिच करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ हमें सिलाई करनी है, फिर हमें सामने की ओर सिलाई करनी है, फिर यहाँ देखिए जैसे है वैसे ही पकड़ना है। अब यहाँ से पकड़ेंगे और इसे खींचेंगे इस तरह से, और फिर इसे खींचते हुए इसे हम बांध लेते हैं और फिर कट कर लेंगे धागे को, और फिर धागा बांध लेंगे। और फिर देखिए, यहाँ से पकड़ना है और जहाँ सेंटर है देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमें लगानी है, पकड़नी है, और उसे भी हम लॉक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, इसे ही हम कट कर लेंगे और फिर इधर करेंगे। इधर भी देखिए कॉर्नर को पकड़नी है और इस कॉर्नर में लाके मिला लेनी है, और इसे भी हम अच्छी तरह से लॉक कर लेते हैं। इसी तरह से हम पूरे को ही हम लॉक कर लेंगे, जहाँ जैसे जैसे हमें निशान लगाया है उसको पूरी तरह से हम इसी तरह से लॉक करेंगे। तो फिर देखिए, ये डिब्बा टाइप से बन रहा है जो, तो उसी तरीके से हमारे पूरे कपड़े में बनेगा।
इस तरह से देख सकते हो आप, बिल्कुल इसे इसी तरह से बनानी है। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो बनेगा नहीं, तो आप देख ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपसे बहुत ही अच्छा बने। देखिए जो आपको डिब्बा दिख रहा है उसी तरीके से बनेगा, तो इसे भी हम खींच के इस तरह से लॉक कर लेंगे। सभी को अच्छे से लॉक करना है, लॉक को अच्छे से ही करना है क्योंकि बाद में कपड़ा धुलने के बाद निकल ना जाए, इसलिए लॉक को अच्छे से करना है। फ्रेंड्स हम इसको बना लेते हैं, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नए नए वीडियो देखने को मिले और आप नए नए वीडियो सीख भी सकते हैं। तो फटाफट से जाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमारा पूरा लास्ट तक हमने लॉक कर लिया है इस तरह से, और इधर भी इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। देखिए तो इसका फाइनल लुक इस तरह से आएगा और ये हमारी सीधी साइड है, तो इसे हम देखिए बराबर बराबर लाइन पकड़नी है और स्टिच करनी है इस तरह से, और इधर भी हम देखिए इधर भी करेंगे इसी तरह से। इस तरह से प्लेट बनाते जाएंगे और देखिए इस तरह से सीधा पकड़ना है, का लाइन जहाँ जा रहा है उसी तरह से पकड़ना है और स्टिच करनी है। तो देखिए हो गया। अब हमें एक पट्टी लेनी है 2.5 इंच का, देखिए इस पट्टी को ऐसे हमने 2.5 इंच लिया है, तो इसे इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे और ऊपर की ओर रखते हुए हमें स्टिच करनी है। इस तरह से और इसे ऊपर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और ऊपर से हमें स्टिच करनी है। तो हो गया, कॉर्नर है उसको कट कर लेंगे और इसे इस तरह से देखिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ना है और स्टिच करनी है। और इसे देखिए पलट के देख लेते हैं, तो देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका, ना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। फ्रेंड्स आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से इसका प्लेट बनेगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।